कुछ और भी फीचर्स हैं जिनके बारे में आपको बता दूं। स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट से पहले हम ये देखेंगे कि स्टॉक क्या होता है। ठीक है, जैसे कोई किराना की शॉप है या परचून की दुकान है जहाँ आटा, दाल, चावल, साबुन, तेल ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एक दुकानदार को ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि उसके पास क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में है और वो कितना सेल कर चुका है और उसके पास कितना बचा हुआ है, या कितने रुपए का उसने वो सामान खरीदा था और कितने का बेचा है जिससे उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। यही जो सामान उसके पास होता है अलग अलग चीज़ों का, वो उसका स्टॉक है। और उसको देखना यानी कि उसमें कब कितना परचेज और कितना सेल किया गया है, या कितने रुपए का परचेज और सेल किया गया है, कितना बचा है, वो स्टॉक मैनेजमेंट होता है। वो स्टॉक मैनेजमेंट जब हम कंप्यूटर में करते हैं तो उसके लिए इन्वेंट्री एक स्पेशल ऑप्शन है, उस ऑप्शन के थ्रू हम ये स्टॉक मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, टैक्स कैलकुलेशंस। ठीक है, टैक्स कैलकुलेशन जैसे हम जानते हैं टैक्स बहुत सारे होते हैं, जैसे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, एंड अब जो न्यू है वो है जीएसटी। इन सारे टैक्सेस की बात हम बाद में अच्छे से करेंगे, बस जीएसटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जीएसटी में तीन आते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। जब कभी हम अपने ही स्टेट में किसी को से भी परचेज या सेल करते हैं, यानी कि हम और जिससे हम परचेज कर रहे हैं वो भी हमारी ही स्टेट में रहने वाला है, जैसे मैं यूपी में रहती हूँ और मैं जिससे भी परचेज कर रही हूँ या जिसको भी सेल कर रही हूँ वो यूपी में ही रहने वाला है, तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होगा। जब भी हम जो भी सामान परचेज कर रहे हैं उसमें जितने भी परसेंट टैक्स लगता है वो 50-50 इन दोनों में बढ़ जाता है। जैसे कि अगर हमने कोई सामान खरीदा है और उस पर 18% का जीएसटी रेट है, तो 9% सीजीएसटी और बाकी का 9% एसजीएसटी में डिवाइड हो जाता है, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अलग-अलग जाता है। बट जब कभी हम अपनी स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में परचेज या सेल करेंगे वहाँ पर आईजीएसटी लगता है, यानी इंटर स्टेट्स गुड सर्विस टैक्स। ओके, इसके बाद है पेरोल। पेरोल क्या होता है? पेरोल एम्प्लॉयज़ की सैलरी से रिलेटेड होता है। जब कभी कोई भी एम्प्लॉय किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो कंपनी वाले उसकी फुल डिटेल्स पहले से ही कंप्यूटर में फीड करके रखते हैं, जिससे जब सैलरी बनानी होती है तो उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। उसमें वो उनका नेम, एड्रेस, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पोस्ट, बेसिक सैलरी, ओवर टाइम और उसके अलावा लीव्स, वो विद पे होंगी या विदाउट पे होंगी, बोनस, डीए, टीए, एचआरए, ग्रेजुटी, पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, इन सब की भी इंफॉर्मेशन फीड कर देता है। यानी वो कितना बोनस देगा, कितना ओवर टाइम देगा, कितने डीए, टीए, एचआरए होगा, कितना प्रोविडेंट फंड के लिए जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन वो पहले से फीड हो जाती हैं। और जब उसकी पेमेंट बनानी होती है आफ्टर 1 मंथ, तो सिर्फ हमें ये डालना होता है कि कितने वर्किंग डेज थे, उन वर्किंग डेज में से वो कितने दिन आया, कितने दिन की उसने लीव ली और कितना उसने ओवर टाइम किया, उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी कैलकुलेट होकर आ जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई हैं जिनको हम आगे इस पूरे टैली कोर्स में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ होगा, डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, बट आप स्टेप बाय स्टेप इसे देखते रहिए और नॉलेज लेते रहिए। ओके, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा। थैंक यू।